पूरे राजस्थान के अंदर इंद्रदेव की कृपा होने के बावजूद राजस्थान सरकार और यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी, विशेष करके पीएचडी विभाग के, इनकी घोर लापरवाही के कारण जब भगवान ने भरपूर पानी दिया है उसके बाद भी अजमेर की जनता प्यासी है। हम लोगों ने जब बिसलपुर बांध खाली हो गया था तो अजमेर की जनता ने राजस्थान सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन को पूरा कोऑपरेट करा था। चाहे 72 घंटों से पानी दिया तो भी अजमेर की जनता चुप थी, चाहे 80 घंटों से दिया तो भी चुप थी। अब जब पर्याप्त पानी होने के बावजूद 16-16 गेट खोल के आप पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं, उसके बावजूद अजमेर की जनता को आज की स्थिति में भी जब बरसात पूर्ण हुई है उसके बावजूद 72 घंटे के उपरांत पानी मिल रहा है। हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि वो इस व्यवस्था में क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब इतना पानी होने के बावजूद अजमेर की जनता प्यासी है तो क्यों ना इसके लिए आंदोलन किया जाए। और एक सिर्फ आज एक से एक छोटा सा ज्ञापन दे रहे हैं, आज सिर्फ एक समेकित धरना एक वो ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसके बाद भी अगर जिला प्रशासन ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों को अगर सावधान करते हुए जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की तो इसमें हम लोग धरने पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन की मैं चेतावनी देता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता के भरोसे पे कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। महेंद्र यादव, वार्ड नंबर 49 की बात नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की बात है। सिर्फ 49 नहीं, इधर पूरा एरिया के अंदर कभी 72 घंटे तो कभी 80 घंटे से सप्लाई की जा रही है बिना प्रेशर के, बिना टाइम भी इसका नियमित नहीं है। कभी सुबह तो कभी शाम को, मतलब पानी भरने वाली महिलाएं सुबह से शाम तक सिर्फ इसी इंतजार में रहती है कि कब पानी आएगा और कब हम पानी भरें। महेंद्र यादव, वार्ड नंबर 49 से पार्षद। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, एक तो टाइम से पानी नहीं है और बिल्कुल प्रेशर नहीं है पानी का, कभी सुबह से देगा कभी रात में देगा, 72 घंटे से 80 घंटे से पानी आ रहा है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, सर्विस वाले हैं तो वो टाइम से जाने वाले, कोई है ही नहीं बिल्कुल, और देगा तो बस आधे घंटे देगा, 25 मिनट देगा, बस उतना ही देगा। सारे क्षेत्र वाले, हमारा पुलिस लाइन, गोपो का बड़ा हमारा पुलिस लाइन नया, मेरा नाम सुनीता।